हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं COVID-19 की वैक्सीन के बारे में कि आप उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और डोज लगवाने के लिए बुक करो कैसे करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करोगे और उसके बाद डोज के लिए आप कैसे अप्लाई करोगे। तो दो स्टेप के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग COVID-19 की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि डोज के लिए बुक कैसे करने वाले हैं। तो जैसे ही वेबसाइट पोर्टल खुलता है उसके जस्ट हम लोग को अप्लाई करना होता है, यानी डोज के लिए बुक करना होता है। कैसे करना होता है वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि COVID-19 से जो वैक्सीन से संबंधित जो भी अफवाहें हैं लोगों की, तो उन अफवाहों पे या उन वीडियो पे बिल्कुल भी ध्यान न दें और उन अफवाहों से बचें और डोज है वो लगवाएं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और चल के देखते हैं कि कैसे स्टेप बाई स्टेप वो आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे फर्स्ट नंबर स्टेप हम लोग बात करेंगे कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, वेबसाइट का जो पोर्टल है वो इस तरीके से खुलने वाला है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वरना आप वीडियो के साइड में देख रहे होगी वेबसाइट का जो है चल रहा है, आप गूगल पे सर्च करके भी निकाल सकते हो, वरना वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके विजिट कर सकते हो। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन साइन इन योर सेल्फ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तब वेबसाइट है वो ओपन हो रही है। वो आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड है। तो सबसे पहले आपको रेंडमली कोई भी अपना घर का नंबर या आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो उसका कोई भी मोबाइल नंबर है वो डालना है और OTP लेनी है। तो सिंपली मैं अपने मोबाइल नंबर डालता हूँ और उसको ब्लर कर देता हूँ सिक्योरिटी के लिए। तो सिंपली मैंने अपने मोबाइल नंबर डाल दिए और मैं इसको सिक्योरिटी के लिए ब्लर कर देता हूँ। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे गेट OTP पे है वो क्लिक करना है। तो मैं गेट OTP पे है वो क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप गेट OTP पे क्लिक करते हो तब आप, तो OTP आ गई, मैं OTP लगा देता हूँ। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 45 0 306। जैसे OTP लगाता हूँ और वेरीफाई एंड प्रोसेस पे है वो क्लिक कर देता हूँ। तो वैसे ऑलरेडी मेरा एक वैक्सीन डोज है वो लगा हुआ है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपका कोई भी डोज नहीं लगाया हुआ होता है तब आपको यहाँ पे ऐड मेंबर का नाम आएगा। जैसे आप मोबाइल नंबर लेके OTP लगाते हो तो डायरेक्ट ऐड मेंबर का नाम आएगा। तो आपको सिंपली ऐड मेंबर पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिख रहा है फ़ोटो ID प्रूफ, यानी आप कौन सा ID प्रूफ है वो देना चाहते हो। आप जो भी XYZ जो भी इनमें से जो भी आपके पास ID प्रूफ है वो आप दे देना। मैं आधार कार्ड वो है ID प्रूफ देना चाहता हूँ। तो आधार कार्ड के नंबर में ब्लर करता हूँ सिक्योरिटी के लिए और यहाँ पे सिंपली आधार कार्ड नंबर है वो लगा देता हूँ। आधार कार्ड नंबर लग चुके हैं। अब सिंपली आपको जिस आधार कार्ड के नंबर डालने हैं यानी जिसको डोज लगवाना है उसका नाम डालना है आपको। तो मैं यहाँ पे मेरा जो नंबर डाला है वो नाम डाल दिया। अब मेल या फीमेल तो जो भी है वो आपको जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो बर्थडे डेट है उसका जो सन कौन सा है वो यहाँ पे डालना है। तो मैंने डाल दिया। आप सिंपली आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो सिंपली आपको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ऐड पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके पास है वो आ जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मेरे यहाँ सेकेंड डोज वाला दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको फर्स्ट डोज पे यहाँ पर मेरे वाला सर्टिफिकेट नाम आ रखा है वहाँ पर आपको ऐसे आएगा। तो वहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जहाँ जिस एरिया के अंदर आप रह रहे हो वहाँ के आपको पिन कोड डालना है। जैसे मैं बीकानेर से श्री डूंगरगढ़ से हूँ तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 33 18 03। तो जैसे ही मैंने 33 18 03 लगाए और सर्च करता हूँ तो अभी कोई बुकिंग सेंटर अवेलेबल नहीं है 18+ एज में। तो जैसे ही बुकिंग सेंटर अवेलेबल होगा तब आप वहाँ पे बुक वो अप्लाई कर सकते हो। तो आपको मैं सेकंड के अंदर बताने वाला हूँ कि कैसे बुक करने वाले हैं लाइव प्रूफ के साथ। तो चलिए सेकंड नंबर पे चलते हैं। दोस्तों, आपने देख लिया रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल इजी तरीके से है। आप कोई भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस
एक्सेट्रा कोई भी आपके एक आई डी प्रूफ देके आप वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद आप जहाँ जिस एरिया के अंदर रहते हो उसके अंदर वेबसाइट पोर्टल खुलने की न्यूज या आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि कौन से टाइम पे वेबसाइट है वो आपके यहाँ ओपन होने वाली है, और उसके बाद आपको सिंपली है वो अप्लाई कर देना है। तो थोड़ी सी माफी चाहता हूँ कि साउंड है जो नॉइज है, बाहर का साउंड आ रहा है, तो आज थोड़ा सा माइक है वो खराब हो गया है। तो चलिए आप चलते हैं स्टेप नंबर दो पे, और हम लोग बात करने वाले स्टेप नंबर दो के अंदर की वैक्सीन डोज के लिए अपने टीकाकरण है वो बुक कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और चलते देखते हैं कि कैसे हम लोग डोज के लिए अप्लाई करने वाले हैं। सिंपली अब आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के फिर से ओटीपी है वो लेनी है। जैसे ही आप ओटीपी ले लेते हो, ओटीपी लेने के बाद में वहाँ पे ओटीपी आपको वेरीफाई करना है, तो सिंपली मैं ओटीपी वेरीफाई कर देता हूँ। और जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई कर देते हो उसके बाद में आपको जिसका वैक्सीन लगाना होता है उसका वैक्सीन लगाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना होता है, तो मैं वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। तो जैसे मैं नीचे यहाँ पे आता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट डोज आ रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ। फर्स्ट डोज क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जैसे डोज सेलेक्ट कर लिया वहाँ जहाँ आप रह रहे हो उस एरिया का पिन है वो यहाँ पे डालना है। तो मैं श्री डूंगरगढ़ से रह रहा हूँ तो श्री डूंगरगढ़ के पिन है वो यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद आपको कंटिन्यू क्या करना है, सर्च और 18 प्लस पे क्लिक करता रहना है। जैसे ही आपका सेंटर है वो ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे रेड है, फिलहाल तो बुकेड है लेकिन यहाँ पे रेड नहीं होगा, हरा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, मैं कई कुछ देर के लिए सर्च करता रहता हूँ और 18 प्लस पे वो क्लिक करता रहता हूँ। तो आप भी ऐसे ही करना है, सिंपली आपको यहाँ पे उस एरिया का पिन कोड लगाना है और सर्च करते रहना है और 18 प्लस पे वो क्लिक करते रहना है। तो जैसे ही सेंटर ओपन होगा तो यहाँ पे सेंटर है वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सर्च करता रहता हूँ, टैप करता रहता हूँ, देखते हैं सेंटर कब खुलता है। ठीक है, तो फिर से वापस बैक आया, डोज सेलेक्ट किया और वापस पिन कोड लगाया मैंने। तो अब देखते हैं कि सेंटर है वो खुलता है कि नहीं खुलता है, वापस सर्च करता हूँ। तो फिलहाल सेंटर खुल चुका है, तुरंत सेलेक्ट कर लेना है, टाइम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको सिंपली ये जो आपको कोड दिखाई दे रहा है उसको सिंपली जैसा का जैसा एज स्टेज है वो यहाँ पे फुलफ़िल करना है। और जैसे ही आप उसको पूरा फुलफ़िल कर दोगे और कन्फर्म कर दोगे तो ये देखिए ये डोज है वो हो चुका है। तो ऐसे सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान और इजी तरीके से आप भी अपना डोज है वो ऐसे लगवा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो दोस्तों आपने देख लिया, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आप डोज के लिए अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, नॉलेज मिल रहा है आपको। तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।